नमस्ते डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक देखने वाला है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए डियर स्टूडेंट, ये है कंटिन्यूएशन। ये जो चैप्टर है कंटिन्यूएशन है डेरिवेटिव्स का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डेरिवेटिव के आप फॉर्मूलाज पढ़ लें, रूल्स पढ़ लें। रूल्स में चेन रूल इंपॉर्टेंट है काफी। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव के टाइप्स आपको आने चाहिए, तब जाके ही आप कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या क्या देखे, फॉर्मूलाज, रूल्स, चेन रूल और टाइप्स। जब ये आपके डेरिवेटिव के अच्छे से हो जाएंगे दोस्तों, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करिए। सो हम पहला रूल देखते हैं जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल बेस्ड। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, अप्रोक्सीमेशंस, रेट मेजर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से। सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। मान के चलो एक कर्व है, अगर उसको एक लाइन टच करके जाती है, सो वे नेम इट एज अ टेंजेंट। और अगर इस टेंजेंट पे कोई एक लाइन 90 डिग्री से परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का ही होता है, अगर इस टेंजेंट पे कोई लाइन हमने परपेंडिकुलर बना दी जो इस पॉइंट से होके जाती है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे कई बन सकते हैं, बट इसी एक पॉइंट से वो होके अगर बनती है तो उसको नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, फिर और आगे बताता हूँ क्या करना है। देखो, एक बेसिक्स है 11th स्टैंडर्ड का, मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ये फर्स्ट रूल है, तब उनके स्लोप कैसे रहते हैं दोस्तों, बराबर रहते हैं। दूसरा, When two lines are perpendicular, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या होता है, पैरेलल ऐसा होता है, राइट, दिस इज अ पैरेलल थिंग, परपेंडिकुलर ऐसा होता है, राइट। सो दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, बाइसेक्ट करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, सो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इसके पहले हमको जानना होगा इक्वेशन बनता कैसे है।
मान के चलो एक कर्व है और ये है टेंजेंट। तो दोस्तों कर्व का इक्वेशन है, मान के चलिए y इक्वल्स टू समथिंग, राइट, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो दोस्तों अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, वो हमको मिलता है डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लिख लो। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है क्या आएगा, मैं बताता हूं क्या आएगा। टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप बराबर -1 आएगा। अगर टेंजेंट का स्लोप है dy बाय dx तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। हाँ, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर उसके बाद इक्वेशन बताता हूँ कैसे बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हो इफ़ यू विश टू राइट द कोऑर्डिनेट। हम इसे कह सकते हैं x1 y1 कोऑर्डिनेट। इतना लिख लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। किड्स, we have to write equation of tangent, right? Equation of tangent. Do you know how to find equation of tangent? This is a y minus a y1 is equals to slope x minus x1. So basically slope of tangent is nothing but dy by dx. This is y minus, so y1 is equals to dx. So kids, we are done with solving. So please have a note of it. Equation of tangent. Okay, man. ठीक है, अगला है equation of normal. एट पर्टिकुलर पॉइंट, वॉट एवर द पॉइंट इज, आई डोंट केयर, x1 y1 ले लो, ठीक है। दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। वॉट इज किड्स स्लोप ऑफ नॉर्मल, सो dy बाई डी एक्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो इतना लिख लो, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हम सॉल्विंग पे उतरते हैं। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो किड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये रहा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ नॉर्मल एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x square
सो लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन. ओके सो लेट्स गो विथ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ई रेस टू एक्स प्लस टू एट 0 4. दिस इज एट 0 4. सो इन्होंने क्या रखा है, पॉइंट 0 4 है. 0 4 चिल्ला चिल्ला के कुछ तो कह रहा है. ये कह रहा है कि भाई साहब मैं हूँ x1 y1, मुझको पहचान लो, मैं हूँ x1 y1. सो फाइंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाएगा dy/dx. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e रेस टू x का डेरिवेटिव इज e रेस टू x. सो इफ यू पुट 0 4 इन प्लेस ऑफ x एंड y, दोस्तों x को 0 रखा तो ये 0, एनीथिंग रेस टू 0 बिकम्स 1 ना, तो ये 2 आ जाएगा. सो dy/dx 2 आया है. ये चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. तो किड्स हमको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये कि जो हमारा dy/dx है वो 2 आया है. विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. चलिए दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं. That is y minus y1 equals to m x minus x1. Clear? Perfect. बढ़िया. So यहाँ पे दोस्तों इन्होंने coordinates दे रखे हैं, हमें इन्हीं को put करना होगा. So please आप इस चीज़ का ख्याल रखिए. यहाँ पे जो coordinates दे रखे हैं 0 4, तो हम 0 4 ही use करेंगे. विल राइट इट हेयर एक्स पे 0 और वाई पे 4. इट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप आएगा. स्लोप को हम एम कह भी सकते हैं. एम एक अच्छा नाम है जो हमने रखा हुआ है. टेन थीटा भी कहते हैं, dy/dx भी कहते हैं. सो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आ चुका है टेंजेंट का इक्वेशन, जिसकी डिमांड इन्होंने करी थी. अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1. सो किड्स व्हाट इज स्लोप, सही सोचा आपने, dx अपॉन is x minus x. दोस्तों x पे 0, y पे 4. तो दोस्तों dy/dx अगर 2 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो -1/2.
हाँ जी, तो एक ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। टू इधर भेज दो, दैट इज़ वाई माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस एक्स। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई करना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, उतना तो आप कर ही लोगे। सो दे टू वाई माइनस एट इक्वल्स टू माइनस एक्स, सो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। सो किड्स प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है और ये एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 मार्क दिला देगा। सो किड्स प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। MHT CET की तैयारी, क्या आप VJTE और COAP जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं? क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना? आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी? क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हज़ारों बच्चे COAP और VJTE जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स। सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन। दूसरी बात, PCM और PCB की 50 फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अनअकैडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए, रैपिड रिवीजन कोर्स भी है 100 आवर्स का PCM के लिए, PCB के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। देखिए, ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर। आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, IIT से हैं। क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है। तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे। यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस। दोस्तों, मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए। और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499। इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है, चीज़ें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं। तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका 0 है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।